Students, in today's lecture, you will cover two topics, fractional distillation and azeotropic mixtures. Fractional distillation, it is a technique which is used for separating two or more miscible volatile liquids via fractionating column. Fractional distillation kya hai? Ye ek technique hai jo hum kiske liye use karte hai? दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो लिक्विड्स है जो कि आपस में मिसिबल होगा, उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, हम उसके बेसिस पे इन लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इन दिस हियर इज द पिक्चर ऑफ द एपरेटस ऑफ दिस असेंबली विच इज यूज फॉर दिस टेक्निक। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक RBF प्रेजेंट है। तो जो भी मिक्सचर को आपने सेपरेट आउट करना है, उसको आप क्या करोगे, यू विल फिल दिस RBF विद दैट मिक्सचर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, आप इस RBF को हीट करोगे। अब यहाँ पे क्या है, इस RBF के साथ यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच्ड है और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है, ग्रूव्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये ग्रूव्स जो है क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, मिक्सचर जो है लिक्विड्स का, तो जिस लिक्विड का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे उसके वेपर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। ये जो है, ये पोर्शन, इट इज नोन एज द डिस्टिलेशन अडेप्टर, ठीक है। इस डिस्टिलेशन अडेप्टर के साथ यहाँ पे क्या है, एक थर्मामीटर अटैच होता है जिससे हम टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे वेपर्स कलेक्ट होंगे लिक्विड वन के, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, कंडेंसर अटैच्ड है, तो वो वेपर्स जो है दैट विल स्टार्ट टू कंडेंस। और यहाँ पे फर्दर क्या है, रिसीविंग कॉनिकल फ्लास्क प्रेजेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका लिक्विड वन जो है वो प्रॉपरली जो है इस कॉनिकल फ्लास्क में जो है फिल ना हो, जब तक वो पूरा का पूरा सेपरेट ना हो, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन द फर्दर टेम्परेचर इज रेज्ड, अब क्या होगा, जब टेम्परेचर और इंक्रीज होगा तो जो दूसरा लिक्विड प्रेजेंट है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन होगा, तो हेयर विल स्टार्ट टू फॉर्म द वेपर्स ऑफ लिक्विड टू, ठीक है। अब ये जो पहले यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क था जिसमें आपने लिक्विड वन जो है वो कलेक्ट किया, तो इस कॉनिकल फ्लास्क को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे और यहाँ पे एक दूसरा कॉनिकल फ्लास्क इसके साथ अटैच करोगे, ताकि अब आप दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में लिक्विड टू जो है वो कलेक्ट कर सको। तो इसी तरह से लिक्विड टू के वेपर्स बनेंगे, देन दे विल स्टार्ट टू कंडेंस एंड आफ्टर कंडेंसेशन यू विल कलेक्ट दैट लिक्विड फ्रॉम हेयर, ठीक है। देन उसके बाद जैसे हम सेपरेट आउट किया दोनों लिक्विड्स को, तो हो सकता है कि जैसे सपोज आपने पहले लिक्विड वन जब सेपरेट आउट किया, तो हो सकता है उसमें लिक्विड टू भी आया हो कुछ पार्ट उसका, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से लिक्विड वन की क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ताकि जो लिक्विड वन है वो प्रॉपरली सेपरेट आउट हो जाए फ्रॉम द लिक्विड टू। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल हो, उनका एक मिक्सचर बट जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो वो जो मिक्सचर है उनको हम क्या कहते हैं, ज़ियोट्रोपिक मिक्सचर्स। आई विल अगेन रिपीट इट, वो मिक्सचर्स जिसमें दो या दो से ज्यादा मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हो, बट उन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो थ्रू आउट होल प्रोपोर्शन, मीन्स कि आप उनको जिस मर्जी प्रोपोर्शन में मिक्स करो, हर टाइम उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ज़ियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एज़ियोट्रोप्स आर डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉइल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पोजेस सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। तो एज़ियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये वो मिक्सचर्स होते हैं कि जिनका क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि आपके पास एक मिक्सचर है लिक्विड ए लिक्विड बी का, ठीक है। लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है दोनों ही आपस में मिसिबल है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि क्या होगा कि आप लिक्विड ए और लिक्विड बी को अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स कर रहे हैं। जैसे एक में, एक मिक्सचर में आपका लिक्विड ए लिक्विड बी जो 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरे मिक्सचर में आपका लिक्विड ए लिक्विड बी 1:2 मैप है। देन उसके बाद जो थर्ड मिक्सचर आपने सेम प्रिपेयर किया, उसमें जो प्रोपोर्शन है दैट इज 1:3।
तो आप अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखो कि जो आपका 1:3 मिक्सचर है, जो वो प्रपोर्शन है, जो वो कंपोजिशन है, उसमें आपने ये देखा कि लिक्विड ए और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है, तो उन मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो इसलिए एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? वो मिक्सचर्स जिनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे सेम बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है, ठीक है? एंड इन दिस दे पोजेस सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मिक्सचर्स में जो आपका लिक्विड ए और लिक्विड बी प्रेजेंट है, तो जब वो वेपर फेज में जाएंगे, तो लेट अस सपोज कि आपके पास लिक्विड ए है, तो लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन वेपर में प्रेजेंट है, उतना ही मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड में प्रेजेंट होगा। मीन्स कि लेट अस सपोज अगर वेपर में एक्स ए मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है लिक्विड ए का, तो लिक्विड स्टेट में भी उसका कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा? एक्स ए ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? और इसी तरह से लिक्विड बी के लिए भी कि आफ्टर गेटिंग इनटू वेपर फेज, तो लिक्विड बी जो है जितना मोल फ्रैक्शन उसका वेपर फेज में प्रेजेंट है, लेट अस सपोज कि इसका वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड बी का, दैट इज एक्स बी, ठीक है? और लिक्विड स्टेट में भी इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी एक्स बी, ठीक है? तो इससे क्या मींस, इसका मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में जो है दैट इज कॉमन, मींस कि सेम कंपोजिशन है इन लिक्विड्स की। तो इन टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। आफ्टर दैट एज़ियोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बिकॉज होल ऑफ द एज़ियोट्रॉप चेंज इन टू वेपर स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या है, सेम बॉइलिंग पॉइंट अटेन हुआ है, तो जब इन दोनों लिक्विड्स का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो अगर आपने इनको सेपरेट आउट करना है तो आप उनको बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप उनके लिए ये टेक्निक यूज नहीं करते कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है? दैट इज अबाउट द एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। नाउ दीज एज़ियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पहले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स को एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप इज मच हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स क्या होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, एज़ियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास लिक्विड ए है, सपोज लिक्विड ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 78, ठीक है? और आपके पास जो लिक्विड बी है इसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इंडिविजुअली देखें दैट इज सपोज 65, ठीक है? तो ये दोनों लिक्विड्स जब एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे तो एज़ियोट्रॉप कंपोजिशन पे आके क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तो लेट अस सपोज कि अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है 79, तो अभी 79 जो है दैट इज मोर देन लिक्विड ए एंड अगेन ऑल्सो मोर देन लिक्विड बी। तो इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अब रेज हो गया है अगर हम इनको कंपेयर करें इंडिविजुअल लिक्विड के साथ। तो इन टाइप के एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स। और ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ियोट्रॉप्स है ये हमें जनरली किसमें देखने को मिलता है, इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन। तो जो आपने रॉड्स लॉ में पढ़ा था, जैसे अगर ग्राफ देखें हम इसमें, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि वेपर प्रेशर जो है ये हम दिस स्ट्रेट लाइन शोज द नेट वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है? तो जब ये लिक्विड्स नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं तो उसमें क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस एक्स एक्सिस जो है दैट शोज द मोल फ्रैक्शन एंड दिस वाई एक्सिस शोज द वेपर प्रेशर, ठीक है? अब इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है कि इस कंपोजिशन पे आप देख सकते हो कि अगर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, लेट अस सपोज कि हम
70 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है दैट इज मोर। तो देन आफ्टर जब आपने कंपोजिशन चेंज किया सेम 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर जो है कम हो गया। देन जब आपने अगेन इनका कंपोजिशन चेंज किया तो यहाँ पे जो वेपर है सेम टेम्परेचर पे वो क्या है, कम है, मिनिमम वेपर प्रेशर है। तो दैट मीन्स कि इस टेम्परेचर पे अब जो वेपर फॉर्मेशन है, जो वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। तो दिस शोज कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मिक्सचर में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मींस कि पहले इनिशियली क्या था, 70 पे ज्यादा वेपर्स बन रहे थे, बट अब क्या है 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वेपर जो है वो कम फॉर्म हो रहे। दैट मींस कि इस मिक्सचर का क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अब आपको और टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, जो ड्रॉप्स है वो उनका एग्जाम्पल कौन शो करता है, नेगेटिव डिविएशन जो क्रिएट करते हैं दीज मिक्सचर्स। इसके केस में हम जैसे ग्राफ यहाँ पे अगर देखें तो इस ग्राफ में आप देखोगे यहाँ एक्स एक्सिस जो है दैट शोज द कंपोजिशन एंड दिस वाई एक्सिस शोज द टेम्परेचर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास दो कर्व है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये कर्व जो है आपका दिस इज ऑफ लिक्विड एक्स, ठीक है, एंड दिस कर्व इज फॉर लिक्विड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे इस कंपोजिशन पे क्या है, जो आपका लिक्विड एक्स है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज दिस मच, ठीक है। इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, लिक्विड एक्स जो है वो बॉइल हो रहा है। तो इस कर्व से नीचे क्या होगा, लिक्विड एक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इस पॉइंट से अबोव जो आपका एक्स है वो वेपर फेज में जाएगा, ठीक है। अब इसी कंपोजिशन पे अगर आप वाई को देखो, ठीक है, वाई का क्या है, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मींस कि इस पॉइंट से नीचे लिक्विड वाई जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और इस पॉइंट या इस टेम्परेचर से अबव जो वाई है आपका वो लिक्विड फेज सॉरी वेपर फेज में जा रहा है। तो इसी तरह से क्या है, ये कंसिस्टेंटली क्या होगा कि ये कर्व आपका शो करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक्स एंड दिस कर्व शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाई, ठीक है। तो अगर हम अब इस कर्व को देखें तो दैट मीन्स कि इस कर्व के नीचे जो है लोअर कर्व है, इस टेम्परेचर के नीचे जो आपका टोटल सारा का सारा मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और इस कर्व के नीचे क्या है, यहाँ पे आपका कुछ लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है और कुछ आपका वेपर है। वेपर किसके होंगे, लिक्विड एक्स के, और जो लिक्विड पार्ट है वो किसका है, लिक्विड वाई का। एंड अबाउट दिस कर्व ये दोनों ही लिक्विड जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है इस कंपोजिशन पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आ रही है एक्स एंड वाई की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है कॉन्स्टेंट है, इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि जो ये लिक्विड एक्स है और लिक्विड वाई है इन्होंने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होंगे, दोनों के दोनों लिक्विड्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन टेम्परेचर को भी अगर देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है अगर आप इंडिविजुअली इनको कंपेयर करो लिक्विड एक्स और वाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया है, तो इसीलिए अब आप इनको क्या कहोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट स्टेप इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इन दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज मच लोअर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इन एजियोट्रॉप्स में क्या होगा कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसमें क्या होगा कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड्स। जैसे अगेन हम इसमें अगर एग्जाम्पल दें, जैसे पीछे भी हमने लिया लिक्विड ए है जो आपका, उसका सपोज सेम हम ले कि लिक्विड ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 78 एंड लिक्विड बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज सपोज 64।
फाइव, ठीक है। तो जो कंपोजिशन पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, तो अगर उस पॉइंट पे जब आप देखोगे कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी सपोज 62, ठीक है। तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन लिक्विड ए एंड ऑल्सो लेस देन लिक्विड बी। तो इन टाइप के एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये कौन फॉर्म करते हैं, वो सॉल्यूशंस जो कि क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इनको भी अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ रोड्स लॉ, जैसे आपने देखा दिस इज द आइडियल, दिस इज द वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर आपके सॉल्यूशन जो है रियल है नॉन आइडियल है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हो, तो उसमें आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगेन हम अगर इसको भी एक्सप्लेन की करें कि अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू पे देखो तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस कंपोजिशन पे क्या है, वेपर प्रेशर इतना है, लेट अस अगेन सपोज कि जो आपका टेम्परेचर है लेट अस सपोज दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री पे इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर इतना फॉर्म हो रहा है, अगेन 60 डिग्री पे ही कंपोजिशन चेंज हो गई है बट नाउ द वेपर प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड, देन फर्दर जब आपने कंपोजिशन और चेंज किया तो सेम उसी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या देखा, वेपर प्रेशर और इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे आप इस कंपोजिशन पे देख सकते हो हियर इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मीन्स कि जो आपका रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट था एक मिक्सचर का, अब वो उसको क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा वेपर के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बॉइलिंग पॉइंट जो उसको कम करना पड़ेगा ताकि वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे वेपर जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, क्योंकि तो वो शो क्या शो कर रहा है कि जो आपने टेम्परेचर लिया था दैट वॉज लाइक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है अब उस 60 डिग्री पे जहाँ पहले कम वेपर फॉर्म होने चाहिए थे, अब उसी 60 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वेपर्स की। तो दिस शोज कि अब इन लिक्विड के मिक्सचर्स का क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन शो करते हैं, दोज मिक्सचर्स विच शो द पॉजिटिव डिविएशन। एंड इन सिमिलर वे अगर आप इसका ग्राफ यहाँ पे देखो तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा। सेम एक्सप्लेनेशन इसकी भी है कि इसमें क्या है कि दिस यहाँ पे दो कर्व है, एक कर्व जो है लिक्विड एक्स का शो करता है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा कर्व जो है लिक्विड वाई का बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। तो थ्रू आउट दिस कंपोजिशन आप देख सकते हैं कि दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डिफरेंट, लेकिन इस कंपोजिशन पे क्या है, दोनों ही लिक्विड्स का कंपोजिशन जो है दैट इज सॉरी दो इस कंपोजिशन पे क्या है, दोनों ही लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ जिन भी लिक्विड्स में आता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज है, सब कम है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल लिक्विड्स, उन टाइप के एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नाउ लास्ट वन इज द मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते लिक्विड्स को, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक हमें यूज करनी पड़ती है। तो वो टेक्निक कौन सी है, फर्स्ट वन इज द एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड सेकेंड वन इज द एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन है, इसमें क्या होगा कि लेट अस सपोज आपके पास जो मिक्सचर है उसमें दो लिक्विड्स प्रेजेंट है, दैट इज लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया है। अब आपने क्या करना है, इस लिक्विड ए को सेपरेट आउट करना है लिक्विड बी से। अब क्योंकि ये दोनों एजियोट्रॉप्स है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, अब आप क्या करोगे, इसमें एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करोगे। सपोज आप इसमें क्या कर रहे हो, सी जो है दैट इज द थर्ड कंपोनेंट जो आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। ये जो थर्ड कंपोनेंट आप इसमें ऐड कर रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रेनर। एंट्रेनर क्या करेगा, या डिपेंडिंग ऑन इट्स टेंडेंसी, या तो क्या करेगा ये ए के साथ एजियोट्रॉप बनाएगा या फिर ये बी के साथ एजियोट्रॉप बनाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज कि इसने जो एजियोट्रॉप बनाया है
ए के साथ बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इनिशियली जब पहले ए और बी का एज़ोट्रॉप था, लेट अस सपोज जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज 70, ठीक है। तो जब आपने इसमें एंट्रेनर ऐड किया, इस एंट्रेनर ने क्या किया, ए के साथ एज़ोट्रॉप फॉर्म किया और ये बी जो है इससे सेपरेट आउट हो गया, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो गया। मींस कि अब ये जो नया एज़ोट्रॉप बना है इसका लेट अस सपोज 70 डिग्री या बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो बी है अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज सपोज 65, ठीक है। तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो अब इससे आप क्या कर सकते हो, जिस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिपेंडिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट हम सेपरेट कर रहे थे लिक्विड्स को, तो अब आप क्या कर सकते हो यूजिंग दैट मेथड, अब आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो फ्रॉम दिस मिक्सचर। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब ये नया एज़ोट्रॉप बनता है देन इस नए एज़ोट्रॉप से आप क्या कर सकते हो, इस ए को सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये अगेन एक एज़ोट्रॉप बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से क्या होगा, आप एक ही कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हो। मींस कि इस केस में आपने जो सेपरेट आउट किया है लिक्विड दैट इज लिक्विड बी, और ये जो है आपका ए और सी दैट विल रिमेन इन एज़ोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज द एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगेन वी सपोज कि आपके पास जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है दैट इज ऑफ ए बी, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या करोगे, एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करोगे सपोज एक्स, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि जो आपने थर्ड कंपोनेंट ऐड किया था सी, उसने क्या किया था, एज़ोट्रॉप फॉर्म किया था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो ये आप थर्ड कंपोनेंट इसमें ऐड कर रहे हो वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जब वो इसमें इसके साथ आप मिक्स करोगे इसको एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ, तो वो क्या करेगा थर्ड कंपोनेंट, इट विल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो वो प्रॉपर्टी से क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मींस कि हमने सपोज किया अगेन कि पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज कांस्टेंट, जो कि कितना था 70, ठीक है। बट जब आपने इसमें थर्ड कंपोनेंट ऐड किया उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, अब इसकी इससे क्या होगा, इनकी वॉलेटिलिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जब ये वॉलेटिलिटी इनकी चेंज होगी तो सपोज जो ए है आपका दैट विल become volatile at suppose 71 and B जो है वो आपका volatile होगा 65 पे, ठीक है। तो जब भी इनमें वेरिएशन आ गई तो देन आप इजीली क्या कर सकते हो, इस ए और बी को सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेशन के बाद क्या होगा, कुछ ट्रेस कंपोनेंट थर्ड का ए में प्रेजेंट होगा और कुछ ट्रेस कंपोनेंट का बी के साथ प्रेजेंट होगा। तो फॉर दैट यू कैन फर्दर यूज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्स ए के साथ प्रेजेंट है उसको आप ए से अलग कर सकते हो और जो ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्स बी के साथ प्रेजेंट है उसको आप बी से अलग कर सकते हो यूजिंग सुटेबल एक्सट्रैक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसीलिए एज़ोट्रॉप जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है उसका बेनिफिट क्या है, उसमें हम दोनों ही लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या है, हम एक ही लिक्विड को प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं और जो दूसरा है इसमें वो अगेन एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए इससे हम सिर्फ एक ही लिक्विड को प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, और एक्सट्रैक्टिव में हम दोनों को ही प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।